प्रिविलेज क्लास का कंसेप्ट किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। चले अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारे पास में जो स्टोरेज क्लासेस हैं, ठीक है, उस केस में सबसे पहला हमने देखा था ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास क्या होता है। ठीक है, अब अगर आगे कंटिन्यू करें ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के बाद जो हमारे पास में कंसेप्ट है आज की क्लास का, वो सिंपली है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्टैटिक स्टोरेज क्लास की, तो सिंपली इसको, इस पर्टिकुलर स्टोरेज क्लास को सिंपली हमने यूज किया है फंक्शन के साथ। ठीक है, विदाउट फंक्शन ऐसे जिसका हम सिंपली कोई यूज नहीं बोल सकते। ज्यादा प्रॉपर यूज जो है इसका फंक्शन के साथ है। कैसे किस तरीके से यूज किया जाएगा समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। आप लोगों ने रिकर्जन टॉपिक के साथ में स्टैटिक कीवर्ड को यूज किया था। ठीक है, तो जब हम वेरिएबल क्रिएट करते टाइम स्टैटिक कीवर्ड उसके जस्ट पहले लिखते हैं, तो वो पर्टिकुलर स्टैटिक स्टोरेज क्लास को बिलोंग करेगा। कैसे क्या होता है समझते हैं। तो देखिए, सिंपली मैंने यहाँ पर एक शो फंक्शन बनाया है, कॉल किया है सिंपली। ठीक है, तो अब जब ये शो फंक्शन कॉल होगा, तो देखें मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये पर्टिकुलर जो जब भी शो फंक्शन कॉल होगा तो प्रोग्राम का कंट्रोल इस पर्टिकुलर फंक्शन पर शिफ्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस, ये शो फंक्शन जब कॉल होगा तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक स्टैटिक टाइप का, मतलब स्टैटिक स्टोरेज क्लास को यूज करते हुए एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है और उसकी इनिशियली वैल्यू मैंने 10 असाइन की है। अब इस केस में क्या होगा कि स्टैटिक अगर हमने एक बार किसी ब्लॉक में वेरिएबल बना दिया, तो जब तक प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो जाता वो पर्टिकुलर वेरिएबल मेमोरी में, यानी कि रैम में एक्सेस, रैम में रिटेन रहता है, रैम में स्टोर रहेगा। ठीक है, और अगर हमने उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू में चेंजेस कर दिए तो वो सेम लोकेशन पर चेंजेस परफॉर्म होते जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से काम होगा। तो एक बार x जो वेरिएबल है वो स्टैटिक टाइप का इस शो फंक्शन में क्रिएट हो गया, मैं अगर यहाँ पर x की वैल्यू को डिस्प्ले करवाऊंगी, तो उस केस में x की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या डिस्प्ले होगी, जो कि इनिशियली वैल्यू हमने असाइन की थी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो पर्टिकुलर x की वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी 10। ठीक है, फर्स्ट टाइम की बात हो रही है। ऐसे ही जब इस पर्टिकुलर लाइन के बाद यहाँ पर x में प्लस प्लस होगा, तो एग्जैक्टली क्या होगा, इस x प्लस प्लस में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 11। x में हमने प्लस प्लस किया, दैट मींस x में वैल्यू 10 के जगह पर 11 हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम मेन से, ठीक है, ये शो फंक्शन यहाँ पे पूरा कॉल हो चुका है, 10 वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट टाइम वापस से शो फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, तो अब वापस से ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल है ये रिक्रिएट नहीं होगा, मतलब वापस से क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, जो एक बार क्रिएट हो चुका है उसी की वैल्यू को यूज किया जाएगा। और इस केस में अगर मैं बात करूं सेकेंड टाइम एक्स की वैल्यू क्या डिस्प्ले हो जाएगी, 11। ठीक है, और उसके बाद जब वापस से x में इंक्रीमेंट किया जाएगा, ठीक है, तो उस केस में x की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, फर्स्ट टाइम 10 थी। ठीक है, 10 के बाद x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, हम इस तरीके से इसको हाईलाइट कर सकते हैं। 10 के बाद यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 11। ठीक है, और 11 भी क्या हो चुकी है, वैल्यू ओवरराइट हो चुकी है। अब 11 के बाद यहाँ पर वापस से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि प्लस प्लस हुआ है जब ये फंक्शन कॉल हुआ था। ठीक है, तो इस केस में x की वैल्यू यहाँ पर लास्ट जो वैल्यू थी वो 12 रहेगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से स्टैटिक वेरिएबल काम करेगा और स्टैटिक स्टोरेज क्लास काम करेगी। ठीक है, अब मेन समझने वाली बात क्या हुई कि स्टैटिक स्टोरेज क्लास के साथ में हम अगर यहाँ पर सिंपली किसी ब्लॉक में वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो वो पर्टिकुलर वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ उसी ब्लॉक तक एक्सेसिबल होगा। मेरे कहने का मतलब है
कि मैं मेन में एक्स वेरिएबल को यूज नहीं कर सकती, बट जब तक प्रोग्राम कंटिन्यू एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक ये वेरिएबल रैम में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो मैंने अभी जो दो कंसेप्ट बोले आप लोगों को समझाए वो सिंपली विजिबिलिटी और लाइफ टाइम की बात हो रही थी। तो विजिबल तो सिर्फ और सिर्फ इसी फंक्शन तक रहेगा, प्लस उसका जो लाइफ टाइम रहेगा वो कितना रहेगा एक्सटर्नल वेरिएबल जैसे, या मैं यूं कहूं कि जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद पूरा अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका होगा तब उसके बाद ही ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय होगा। यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास में कंसेप्ट है वो आता है यहाँ पर स्टोरेज क्लास का नेक्स्ट टाइप, दैट इज एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। ठीक है, अगेन विजिबिलिटी और लाइफ टाइम दो कंसेप्ट यहाँ पर वापस से यूजफुल है, तो इनको समझने से पहले एक प्रोग्राम देख लेते हैं। हालांकि मैंने आप लोगों को ग्लोबल वेरिएबल कैसे यूज किया जाता है ये एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो अब देखते हैं किस तरीके से यूज में आया। अगेन मैंने क्या किया, मेन में शो फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, तो जब भी ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, और उससे पहले मैंने एक और कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया है, मैंने एक एक्स वेरिएबल क्रिएट किया है जिसको कि मैंने मेन और शो फंक्शन से पहले क्रिएट किया है। दैट मीन्स ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ग्लोबल फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन क्या होगा, ग्लोबल सॉरी ये वेरिएबल जो है वो एक्सटर्नल वेरिएबल, या सिंपली हम इसको ग्लोबल वेरिएबल भी कह सकते हैं। समझने वाली क्या बात है कि इसमें x की वैल्यू हमने 20 इनिशियलाइज की है, तो जब शो फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, अगर हम x की वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे तो इस केस में फर्स्ट टाइम x की वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी, 20। ठीक है, देन अब हमने क्या किया, वापस से x में प्लस प्लस किया, तो अब ये जो x में प्लस प्लस होगा ये कहां पर होगा, इस पर्टिकुलर वेरिएबल में। ब्लॉक रैम में एक ही बना है, ब्लॉक अलग अलग नहीं बने हैं। ठीक है, एक ही ब्लॉक है हमारे पास में, सबसे पहले 20 वैल्यू थी, देन 20 के बाद यहाँ पर अभी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21। ठीक है, 21 सिंपली यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। और इसके बाद अगर हम मेन में भी क्या करेंगे, अभी शो फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है, प्रोग्राम का कंट्रोल वापस से कहाँ पर आ गया, कहाँ पर स्विच हो गया, मेन फंक्शन पे। तो अगर हम क्या करें, मेन से x वेरिएबल को शो करवाएं, तो अब x की वैल्यू कितनी डिस्प्ले हो जाएगी, 21। क्यों, क्योंकि वो पर्टिकुलर वेरिएबल एक बार क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो हमेशा जो उसकी लास्ट वैल्यू थी, ठीक है, जो भी अपडेटेड वैल्यू थी उसी को क्या करेगा, रिटेन करेगा, यानी कि होल्ड करेगा। इस केस में 21 रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें शो फंक्शन की, तो वापस से जब शो फंक्शन कॉल होगा तो नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू क्या डिस्प्ले हो जाएगी, 21। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी थी x वेरिएबल की, 21। ठीक है, अब अगर हम वापस से x में प्लस प्लस करेंगे तो इस केस में रिजल्ट जो है, यानी कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर ओवरराइट हो जाएगी और क्या हो जाएगी, 22। ठीक है, 22 होने के बाद जब ये पर्टिकुलर फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो चुका होगा, तो देन हम वापस से जब मेन में x की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे तो यहाँ पर सिंपली 22 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही हम जितनी बार भी क्या करेंगे, शो फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पर मेन में
x की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे तो हमेशा इंक्रीमेंटेड वैल्यू शो करेगा। ठीक है, इस केस में लास्ट जब 22 रिजल्ट शो हुआ था, ठीक है, अब अगर हम वापस से 22 के बाद एक्स की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, यहाँ पर अभी 22 हमने शो किया, अगर हम वापस से क्या करते शो फंक्शन को कॉल करते तो फिर x में दोबारा से इंक्रीमेंट हो जाता। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया एक्सटर्नल या एक्सटर्न स्टोरेज क्लास का। ठीक है, अब सिंपली अगर हम बात करें विजिबिलिटी और लाइफ टाइम की, तो विजिबिलिटी इस पर्टिकुलर ग्लोबल वेरिएबल या एक्सटर्नल वेरिएबल की कब तक रहेगी, जब तक कि पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा। और मैं लाइफ टाइम की बात करूं तो लाइफ टाइम भी पूरा प्रोग्राम जब तक एग्जीक्यूट होगा तब तक ही ये पर्टिकुलर वेरिएबल रैम में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और सिंटेक्स अभी हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं एक्सटर्न कीवर्ड से और विदाउट एक्सटर्न कीवर्ड से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। अच्छा, एक बात मैं और यहाँ पे क्लियर कर दूं, जितना हमने स्टोरेज क्लास सी में देखा था हमने कि आप लोगों ने जो पढ़ा था यहाँ पर वही कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। इसलिए इन टॉपिक्स को मैं क्विकली रिवाइज करवा रही हूँ, कहीं कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टोरेज क्लास है वो है रजिस्टर स्टोरेज क्लास। ठीक है, अब अगर हम बात करें रजिस्टर की तो यहाँ पर कॉपी वाले रजिस्टर की बात नहीं हो रही है, जैसा कि हम सबको पता है। यहाँ पर रजिस्टर का एग्जैक्टली क्या मतलब है इसको समझते हैं हम एक प्रोग्राम से। तो देखें मैंने क्या किया है, रजिस्टर स्टोरेज क्लास को यूज करने के लिए मैंने सबसे पहले मेन में, ठीक है, मैंने कोई फंक्शन यूज नहीं किया है इस केस में, मैंने रजिस्टर कीवर्ड को यूज करके, ठीक है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया और इनिशियली मैंने 10 वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, देन वेरिएबल को डिस्प्ले करवाया तो यहाँ पर 10 वैल्यू डिस्प्ले हो गई। अब ऐसा तो हमने लोकल वेरिएबल के साथ भी किया है, ग्लोबल वेरिएबल के साथ भी किया है, तो फिर यहाँ इसको यूज करने की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों करें ऐसा हम? देखें इसको समझते हैं। अगर हमने रजिस्टर स्टोरेज क्लास को यूज किया है, या मैं यूं कहूं कि हमने वेरिएबल के जस्ट पहले रजिस्टर कीवर्ड को यूज किया है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो देखिए रजिस्टर का मतलब क्या है कि सिंपली ये जो एक्स वेरिएबल है वो कहाँ क्रिएट होगा, रैम में क्रिएट ना होकर कहाँ क्रिएट होगा, रजिस्टर मेमोरी में। जैसे हमारे पास में हमने फंडामेंटल्स में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि मेमोरीज के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कैश मेमोरी होती है, ठीक है, ऐसे ही सेकेंडरी मेमोरी होती है और प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम बात करें रजिस्टर की तो बेसिकली रजिस्टर ही हमारे पास में एक मेमोरी होती है जो कि कहाँ बनती है, कहाँ होती है, वो सीपीयू में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो जैसे ही हमने रजिस्टर स्टोरेज क्लास को यूज किया तो उस केस में जितने भी वेरिएबल्स बनेंगे वो प्राइमरी मेमोरी के जगह पर कहाँ बनेंगे, सीपीयू के रजिस्टर में। ठीक है, अगर ऐसा होगा रजिस्टर्स में वो वेरिएबल क्रिएट होंगे तो उनको हम फास्टली एक्सेस कर पाएंगे एज कंपेयर टू बाकी स्टोरेज क्लास के वेरिएबल्स को। ठीक है, तो जब हमें वेरिएबल्स को फास्टली यूज करना है, या मैं यूं कहूं कि मुझे प्रोग्राम में बार बार यूज करना है, तो मैं उन पर्टिकुलर वेरिएबल्स को रजिस्टर, ठीक है, कीवर्ड्स के साथ में क्रिएट कर सकती हूँ, यही इसका यूज है। और अगर मैं बात करूं लाइफ टाइम और विजिबिलिटी की, ठीक है, तो दोनों के दोनों सेम रहेंगी और कैसी होंगी, ऑटोमेटिक वेरिएबल, या मैं यूं कहूं कि ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के तरह।
ठीक है, कि मेन के बाहर या किसी फंक्शन के बाहर हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास में रजिस्टर स्टोरेज क्लास का एग्जांपल यहाँ पर मैंने अभी आपको समझाया। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज स्टोरेज क्लास टॉपिक ओवर हो चुका है। अब आगे अगर हम प्रोसीड करें तो नेक्स्ट जो हमारे पास में कंसेप्ट है, ठीक है, ये C++ का नया कंसेप्ट है। आप लोगों ने C में नहीं पढ़ा है इसको, तो सिंपली कंसेप्ट का नाम है इनलाइन फंक्शन। अब समझते हैं कि इनलाइन फंक्शन का क्या मतलब। सिंपल अगर मैं बात करूं इनलाइन, तो इनलाइन कीवर्ड आप लोगों ने HTML में बहुत अच्छे से देखा था जब आप लोगों ने CSS पढ़ी थी। ठीक है, इनलाइन कीवर्ड का मतलब होता है सेम लाइन। अब यहाँ पर C++ में क्या इसका यूजफुलनेस है वो देख लेते हैं एक बार। तो देखें, अगर मैं बात करूं इनलाइन फंक्शन की, तो है तो ये सिंपली फंक्शंस, जैसे फंक्शन बनते हैं, फंक्शन रिटर्न करते हैं, वैसे ही ये फंक्शंस होते हैं। लेकिन इनकी जो वर्किंग होती है वो सेम टू सेम होती है मैक्रो जैसे। यानी कि जब प्रोग्राम कंपाइल होगा तब जैसे मैक्रो सब्स्टिट्यूट होते हैं, वैसे ही ये इनलाइन फंक्शन सब्स्टिट्यूट होते हैं। प्लस इनलाइन फंक्शन हम जब C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे तब वहां पर भी इस टॉपिक को वापस से देखेंगे। ठीक है, तो अब अगर इसका बेसिक मीनिंग हम समझे तो देखें, इनलाइन फंक्शंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनलाइन कीवर्ड ऐड करते हैं, देन फंक्शन में जैसे हमें कोडिंग लिखनी है, रिटर्न टाइप मेंशन करना है, फंक्शन का नेम और उसके पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स मेंशन करने हैं, इसको हम एज इट इज मेंशन करते हैं। इसके अलावा क्योंकि फंक्शन है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कोड होगा, जैसे मैक्रो के केस में भी हमने देखा था। ठीक है, अब इनलाइन फंक्शन को बनाने की जरूरत क्या है, क्यों बनाए हम इनलाइन फंक्शन को जबकि फंक्शन टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखिए, इसका यूज ये है कि कुछ ऐसे फंक्शंस भी हमारे प्रोग्राम में एग्जिस्ट करते हैं या जिनको हम यूज में लेकर आ सकते हैं, जिसमें कि जो कोडिंग पार्ट है यानी कि नंबर ऑफ लाइंस जो है एग्जीक्यूटेबल वो बहुत ही कम है, जहां पर हम सिंपली बहुत बल्क में कोड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और सिंपली शॉर्ट एंड स्वीट कोड है, प्लस कंडीशन लूप हमने बहुत कम यूज किया है या नहीं है, तो ऐसे फंक्शंस को हम इनलाइन फंक्शंस बना देते हैं। ठीक है, और उससे होगा क्या, उससे ये होता है कि जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के तरीके से समझाऊं आपको, तो देखें मैंने यहाँ पे क्या किया, जब मेन से एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम नंबर 98, तो उस केस में प्रिंट फंक्शन जब कॉल होगा, ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ कंपाइल, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम के कंपाइलेशन की बात हो रही है। ठीक है, अभी हम एग्जीक्यूशन की बात में करते हैं, सबसे पहले कंपाइलेशन की अगर हम बात करें तो एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन क्या होगा, जहां पर प्रिंट फंक्शन लिखा गया है उसकी जगह पर प्रिंट फंक्शन का कोड क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अगर ये नॉर्मल फंक्शन होता तो प्रोग्राम का कंट्रोल स्विच हो जाता कहां पर, इस पर्टिकुलर सेक्शन पर, लेकिन क्योंकि ये इनलाइन फंक्शन है तो अब क्या होगा, ये कोड जितनी भी लाइंस का यहाँ पर आप लिखेंगे वो इस जगह पर पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट या मैं यूं कहूँ रिप्लेस हो जाएगा। कब, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। सेम हमने मैक्रो के साथ में भी यही कंसेप्ट देखा। ठीक है, तो अगर आपके पास में प्रोग्राम जो आप बना रहे हैं और उसमें इनलाइन फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोग्राम कंपाइल टाइम पर उस पर्टिकुलर फंक्शन के कोड को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो अब इसका फायदा ये रहा कि फंक्शन की तरह बार बार प्रोग्राम का कंट्रोल यहां से वहां पर यानी कि यहां से मेन में स्विच नहीं होगा। एक बार कोड रिप्लेस हो गया फिर सारा का सारा कोड मेन से एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, जबकि नॉर्मल फंक्शन होता तो पहले क्या होता, जैसे ही मेन फंक्शन को ये लाइन मिलती एग्जीक्यूशन टाइम पर तो प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ शिफ्ट होता, फिर कोडिंग एग्जीक्यूट होती। ठीक है, यानी कि बार बार
कॉलिंग ओवरहेड होता, यानी कि कॉलिंग बार बार की जाती, ठीक है, इसको रिजोल्व करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, इस कंसेप्ट को ओवर करने के लिए यहाँ पर इनलाइन कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया गया है, कहाँ पर, सी प्लस प्लस में। तो ये इनलाइन फंक्शन का यूज है, ठीक है, कि सारा का सारा कोड मेन से ही यहाँ पर सिंपली एग्जीक्यूट हो, और वैसे भी मेन से ही होता है, लेकिन कॉलिंग का जो ओवरहेड, यानी कि यहाँ से यहाँ पर स्विच हुआ, फिर वापस से पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, तो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गया, तो इसको सेव करने के लिए इनलाइन फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं। बाकी एग्जीक्यूशन सिंपल, मैक्रो में जैसे पढ़ा था या फंक्शन में हमने जैसे देखा है कि फंक्शन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस नंबर का इनपुट लिया जाएगा, और इनपुट लेने के बाद अगर हम यहाँ पर वैल्यू को डिस्प्ले करें तो सिंपली ए वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पर छोटा सा करेक्शन ये रहेगा कि हम यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, ये इस तरीके से ये वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई इनलाइन फंक्शन की, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। फंक्शन को एक बार रिपीट कर रही हूं, तो इस केस में अगर हम बात करें इनलाइन फंक्शन की, ठीक है, तो देखिए इनलाइन फंक्शन के केस में यहां पर हमने क्या किया, जब भी इनलाइन फंक्शन कॉल होंगे, ठीक है, तो उनका जो कोड है वो कहां पर सब्स्टिट्यूट होगा, जहां से उनको कॉल किया गया है, एज लाइक मैक्रो, जैसे मैक्रो कॉल होता है वैसे ही इन पर्टिकुलर इनलाइन फंक्शंस का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। यही इनलाइन फंक्शंस की मेन बात है, जैसे हम लोग रिटर्न टाइप फंक्शन में लिखते हैं वैसे ही यूज कर सकते हैं, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड कोड हम सिंपली इनलाइन फंक्शंस में क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, जैसे लूप्स वगैरह है, तो ऐसे कोड, ऐसे फंक्शंस को हम जनरली इनलाइन बनाते हैं जहां पर नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, जो एग्जीक्यूटेबल कोड है नंबर ऑफ लाइंस का वो कम हो, ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट कोड को हम सिंपली, ऐसे फंक्शंस को हम इनलाइन फंक्शन की तरह यूज कर सकते हैं। तो जब प्रिंट फंक्शन ये पर्टिकुलर प्रोग्राम कंपाइल होगा, तो कंपाइलेशन के टाइम ही यहाँ पर क्या होगा, ये कोडिंग सब्स्टिट्यूट हो जाएगी इस जगह पर। तो एक तरीके से कॉलिंग का टाइम जो है, भाई एक बार कॉल हुआ फंक्शन, देन वापस से यहाँ पर क्या हो गया, एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर वापस से स्विच हुआ, तो ये कॉलिंग ओवरहेड यहाँ पर खत्म हो जाएगा, किस केस में, इनलाइन फंक्शंस के केस में। अब कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इनलाइन फंक्शन हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट में, क्लासेस हमने कंसेप्ट पहले देखा था, ठीक है, आप लोगों ने शायद जावा में भी पढ़ा होगा, इन क्लासेस की बात कर रही हूं मैं, तो तब हम वापस से इस इनलाइन फंक्शन को रिपीट करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई डाउट रह गया है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज हम इसको आगे चल के वापस से समझेंगे। अब अगर हम बात करें आज की क्लास के नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में कांस्टेंट, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें मैक्रो की, तो मैक्रो से भी हम क्या बना सकते हैं, सिंपली एक तरह के कांस्टेंट बना सकते हैं, जिनको कि हम प्रोग्राम में क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन मैक्रो के केस पे उनका जो कोड है वो सब्स्टिट्यूट होता है। लेकिन अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं, तो कांस्टेंट सिंपली अगर हम बनाना चाहें तो देखिए किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कॉन्स्ट कीवर्ड ऐड करना होता है, देन हम जिस तरीके का वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं वो हम सिंपली क्रिएट कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू को लेट्स से कि मुझे 5 से इनिशियलाइज करना है, ठीक है। अब इनिशियलाइज इसलिए हम करते हैं क्योंकि जब हम कॉन्स्टेंट क्रिएट करेंगे तो एक बार जो हमने वैल्यू दे दी, ठीक है, असाइन कर दी, उसको हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम पर या प्रोग्राम के ड्यूरेशन में, या मैं यूं कहूं कि प्रोग्राम के किसी भी सेक्शन में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू मैंने अभी इनिशियली 5 असाइन की, लेकिन मैं अगर चेंज करके
67 या फिर इसमें किसी भी तरह का इस तरीके से असाइनमेंट करूं तो कांस्टेंट के केस में वैलिड नहीं है, ये एरर शो करेगा। ठीक है, हम सिंपली कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एक्सप्रेशन का पार्ट बना सकते हैं या फिर उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन नॉट अलाउड इन द कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बात हो गई कांस्टेंट की, बिल्कुल सी जैसा है, कुछ भी चेंज नहीं है। अब अगर हम आगे प्रोसीड करें तो उससे पहले कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अगेन वो भी आप लोगों ने सी में अच्छे से देखा है, अगेन इसका एक छोटा सा ओवरव्यू, एक तो एग्जांपल देके हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स का टॉपिक है हमारे पास में कि किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली अगर हमारे पास में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो हम प्रोग्राम को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो ज्यादा है, या हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स में काम करना चाहें, ठीक है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स के साथ काम करना चाहें, तो हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को यूज कर सकते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि हम जब भी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट की बात करें तो बेसिकली हम मेन फंक्शन को कुछ आर्ग्यूमेंट सेंड करते हैं, पास करते हैं, कब, जब आपका प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो बेसिकली कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के केस में मेन का जो प्रॉपर सिंटेक्स है उसको एक बार हम देख लेते हैं। सिंपली हमें पता है इतना तो हम लिखते हुए आए ही हैं, लेकिन कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के केस में हम मेन फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, दो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, पहला आर्ग्यूमेंट होता है आर्ग्यूमेंट्स का काउंट, यानी कि जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के केस में हमें पता है कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम डॉस शेल यूज करते हैं, वहां से हम मेन फंक्शन को आर्ग्यूमेंट सेंड करते हैं। ठीक है, तो उस केस में जो पहला आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं, तो हमने मेन फंक्शन को जितने काउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी कि ये क्या होल्ड करेगा, टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि उनका काउंट। और अगर मैं बात करूं ए आर जी वी, तो दैट मीन्स इसको सिंपली हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट वेक्टर, यानी कि एक कलेक्शन जो कि बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हमने मेन फंक्शन में जितने आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स किस फॉर्मेट में होंगे, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, चाहे हम 1 to 12 लिखें, यानी कि 12 लिखें या 34 लिखें, वो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रिंग के फॉर्म में कंसिडर किए जाएंगे। वो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स कहाँ स्टोर होंगे, इस सेकेंड आर्ग्यूमेंट में। यहाँ पर नाम वेरिएबल का हम कुछ भी दे सकते हैं, आर्ग्यूमेंट का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, प्लस मेन समझने वाली क्या बात है कि ये पर्टिकुलर जो आर्ग्यूमेंट वेक्टर है, ये हमारे पास में कैरेक्टर पॉइंटर एरे होता है। दैट मींस कि यहाँ पर पॉइंटर भी है, प्लस यहाँ पर कैरेक्टर पॉइंटर भी, और वो कैरेक्टर की एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हम सेंटेंसेस स्टोर कर सकते हैं, सेंटेंस बोले या सिंपली हम स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। अभी हम स्ट्रिंग की बात करें कि हम, जैसे मैंने अजमेर लिखा, इंडिया लिखा, तो इस तरह से वर्ड्स हम स्टोर कर सकते हैं, इस तरह की स्ट्रिंग हम स्टोर कर सकते हैं, किसमें, आर्ग्यूमेंट वेक्टर, यानी कि इस सेकंड आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कोई डाउट रह गया है तो आप